चाहिए मुझे और फील्डिंग का सॉरी बैट्समैन के दो प्लेयर आ जाए। स्टार वॉरियर्स और कोटेश्वर क्लब की बहुत ही अच्छी, यहाँ पे प्रवीण जी उतरे हुए हैं, कोटेश्वर क्लब के दो खिलाड़ी स्टेज पे के बाजू में आ जाए और स्टार वॉरियर्स के भी एक खिलाड़ी स्टेज के बाजू में आ जाए। स्कोरर आपका इशारा पाने के लिए निखिल भाई खड़े हैं, नहीं तो इस मैच को स्टार्ट कराए। स्कोरर सर आप हरी झंडी दिखाए तो हम लोग आगे चालू करें। स्कोरर जी शुरू करें। रेड एंड ब्लू फील्डिंग लगाए जल्द से जल्द, दूसरी बॉल नो बॉल का इशारा एम्पायर का। रेड एंड ब्लू के दो आदमी या एक आदमी अपना स्टेज के बाजू में आ जाए और भूदेव का भी एक खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा प्लेयर हो वो स्टेज के बाजू में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्कोरर को जरूरत है। बहुत ही ऊपर उठाई है और कैच लेने के लिए तोड़ रहे हैं, मगर चार रन की हो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग भावेश की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, चार रन नहीं हुए। यहाँ पे किसी को भी एक चश्मा मिला हो रेड एंड ब्लू का एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ आ जावे और भूदेव का एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ आ जावे। आ गए क्या दोनों के? भूदेव रेड एंड ब्लू का एक एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो इधर भेज दे भैया, नहीं है भाई। रेड एंड ब्लू का कैप्टन एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी है क्या? सिक्स की तरफ, वाह प्रवीण जी की एक बहुत ही अच्छा सिक्स मारा है, तालियां हो जाए इनके लिए। लोकेश लोकेश जी ने, अरे स्टार वॉरियर रेड एंड ब्लू वाले एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी है क्या आप रुपा? नहीं है। भाइयों बहुत ही प्रेम से ये शुभारंभ हुआ है 2024 का। खेल मंत्री हमारे हीरालाल जी जोशी का स्वागत है तालियां बजाकर। यहाँ पे दूसरा बॉल उठा दिया है और कैच की तरफ जा रहा है और छोड़ दिया, पर चार रन बचा लिया भाई ने। दूसरे पिच पर मैच स्टार्ट होने को है। अभिषेक जी एम्पायर साहब से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह चालू करेंगे तो इधर इशारा कर दे स्टेज की तरफ। सभी टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जब मैच स्टार्ट होंगे तो एक एक खिलाड़ी स्टेज पर भेज दिया जाए, उसके बाद स्कोर में कोई गड़बड़ी हुई तो मैनेजमेंट टीम कोई भी आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा। हर कैप्टन से यह रिक्वेस्ट है कि मैच स्टार्ट होने से पहले एक आदमी भेज दें। यहाँ पे रेड एंड ब्लू और भूदेव फाइटर का, भूदेव अंबाजी का मैच स्टार्ट होने को है। स्टार वॉरियर्स और कोटेश्वर क्लब टिक्कर का यहाँ मैच स्टार्ट है, जिसका स्कोर कोटेश्वर क्लब का स्कोर 10 रन पर एक ओवर की समाप्ति।
यहाँ पे निखिल भाई और अभिषेक भाई के सानिध्य में दोनों एम्पायर हैं, उनका भी स्वागत है। यहाँ पे स्टार वॉरियर्स अपनी बॉलिंग के साथ और सामने लोकेश जी बहुत ही अच्छी बॉल डालते हुए, और ये लगता है कि एम्पायर डिसीजन कुछ हो सकता है, पर वाइड बॉल का इशारा, यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा दिया है। अभिषेक जी कुछ बोलना चाहते हैं आप स्कोरर को? अच्छा स्टार्ट कर रहे हो, स्कोरर साहब चालू। माई महेंद्र जी का स्वागत है यहाँ पे। हमारे सीजी क्लब के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाय नाश्ता थोड़ा दबा के मत करना, नहीं तो पिच में दौड़वाया नहीं जाएगा। या किसी भी भाई को एक चश्मा मिला हो तो वो चश्मा स्टेज पर आकर दिया जाए। किसी भी भाई को एक चश्मा मिला हो यहाँ पे ग्राउंड पर, ख्याल है भाई लोग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या हाल है भैया? हेलो। पिच टू पे दूसरा मैच शुरू हो रहा है, रेड एंड ब्लू और बोधे होगा। यहाँ दूसरी बॉल भी वाइट डालते हुए, बॉलर का नाम ललित। ललित स्कोरर, ये साथ में उधर जा रहे हैं। ये पहली गेंद घुमा दी है और छह रन के लिए सिक्स। हेलो हेलो, एम्पायर का डिसीजन छह रन के लिए। राजू भाई से रिक्वेस्ट है कि कोटेश्वर क्लब और इनकी तरफ मैं ध्यान देता हूं, आप भूदेव अंबाजी की तरफ ध्यान दें माइक लेके। राजू भाई से रिक्वेस्ट है रेड एंड ब्लू और भूदेव की तरफ ध्यान दें। एम्प या एक माइक लेके किसी बंदे को। अच्छा माही भाई बहुत अच्छे, माही भाई आप बोलते रहिए इनकी तरफ से। एक एक मैच की जिम्मेदारी हर आदमी ले लेगा, जो भी हमारे मैनेजमेंट टीम से है या नहीं है, फिर भी टीम की जिम्मेदारी बनती है हर इंसान की। और दूसरी गेंद पे चौका, दो गेंदे स्कोर हुआ है भूदेव फाइटर अंबाजी का, 10 रन बिना किसी नुकसान, 23 रन यहाँ पे कोटेश्वर क्लब के हैं। एक ही ओवर में बहुत ही बड़ा शुरुआत हुई है यहाँ पे, शुरुआत की तरफ से और अच्छी शुरुआत हुई है अंबाजी की ओवर से। ललित इनकी अगली गेंद, अपनी लय से भटकते हुए हाथों से गेंद छिटकती हुई। एक बोल देना भैया, ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे राज। नीचे रही गेंद, स्लो गति की गेंद, तीन गेंदे 10 रन यहाँ पे कोटेश्वर क्लब, और बहुत ही अच्छा उठाने की कोशिश मगर बॉल को बीट हुए। स्टार वाले की तरफ फील्ड किया है, अच्छी फील्डिंग यहाँ हरी भाई की तरफ से। पहला जी ने किसी को दो रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अगली बॉल डालते हुए पर इसके साथ स्कोर बटा हुआ बिना किसी नुकसान पे 12। ओवर की अगली गेंद, ललित खिलाड़ियों का जोश देख के लग रहा है कि मारा करेंगे, बहुत अच्छे जोश में है सारे खिलाड़ी, हमारे सारी टीमें मजबूत है यहाँ पे इस बार। और खिलाड़ी देखते हैं यहाँ पे फील्डर नीचे विनोद जो गलती नहीं करेंगे और ये कैच छूटा, स्टार वालों से एक और कैच छूटा इस बार। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ देखने मिल रही है अंबाजी की ओर से। राज इनके बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का इस ओवर का, काफी खराब अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे ललित द्वारा।
ललित इनकी अगली गेंद यहाँ पे, अभी देखते हैं नीचे फील्डर हैरी कभी गलती नहीं करेंगे यार। पहला झटका राज के रूप में, अगली गेंद लोकेश काफी अच्छा छक्का, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम लोकेश के समाज के बड़े खिलाड़ियों में इनका नाम आता है। अगली गेंद फिर से सामना करेंगे लोकेश चहल गति की और देखते हैं फिर से फाइन लेग की तरफ से खेल दिया गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर, छह रन तोहफा मिला है लोकेश इनको, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद की थी गेंदबाज ने। यहां पे सेकेंड ग्राउंड पे देख रहे हैं हरी विकेट पहला और टीम का दूसरा ओवर, हरी भाई इनकी पहली गेंद सामना करेंगे अंबाजी की ओर से। सागर जिग्नेश खुखार बल्लेबाज यहां पे सामना करेंगे हरी भाई की पहली गेंद, इनिंग का दूसरा और पहला ओवर अपना हरी भाई का, पहले ओवर की पहली गेंद जिग्नेश इनको देखता है यहाँ पे कैच होने की संभावना और विरोध और यहाँ पे खराब फील्डिंग, ये उम्मीद नहीं की जा सकती इस टीम से, शायद विनोद यहाँ पे कैच पकड़ सकते थे। अच्छी गेंदबाजी लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला उन्हें और इस स्वरूप यहाँ पे दो रन एक रन दौड़ के पूरा किया अब दोनों बल्लेबाजों ने। हरीश इनकी अगली गेंद फिर से उठा दिया और गेंद देखना नीचे फील्डर है विनोद और काफी अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पे विनोद से, यही उम्मीद रखते हैं हमेशा अपने कप्तान और बॉलर भी। विकी विकी नाम से इन्हें जाना जाता है, सागर के रूप में रेड एंड ब्लू को और उनकी जगह लेने आए अब मनीष दादू टीम के कप्तान। तीन ओवर 52 रन से आग्रह करूंगा इस मैच का हाल सुनाएंगे अभी। दो विकेट गया ना, हैरी ओवर चार रन मनीष के लिए, शानदार ब्लॉक होल गेंद थी लेकिन अच्छी तरह से डिफेंड किया एक रन के लिए आसानी से। रन संख्या 20 पर जाकर पहुंची है, ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार हैरी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था लेकिन अच्छे फील्ड होते हुए नरेश द्वारा डॉट गेंद बुंदी गेंद आते हुए फिर से बड़ा स्ट्रोक कैच की संभावना फिर से एक बार ड्रॉ कोर पे पहुंचे हुए हैं यहाँ पे कोटेश्वर। अगली गेंद सामना करेंगे मैचेस जो कहा हुआ था
देखते हैं और खराब फील्डिंग का नजारा यहाँ पे, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर हुआ है कोटेश्वर 59। लेकिन फील्डर फील्ड कर सके, एक रन आसानी से कंप्लीट किया है। बीसीएल 6 का आगाज यहां पे, देखते हैं अगली गेंद और वैसे रोक करते हुए काफी अच्छी तरह से खेला है। वहां पे गेंद फील्ड होके वापस गेंदबाज की तरफ आते हुए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन आसानी से पूरा कर लिया है। स्कोर बढ़ता हुआ एक रन के साथ 60 रन, काफी अच्छा स्कोर। लोकेश देखते हैं नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं। अगली गेंद मारा करेंगे अजय, गेंदबाजी के लिए लेग साइड में खेल दिया और एक टप्पे के बाद 4 रन। शानदार गेंद, गोल गेंद से थोड़ी सी उछाल लेते हुए डॉट गेंद से स्कोर पर 64। फिर से एक दूसरी गेंद लेकर भावेश अभी के लिए और फिर से गेंद के लिए, दोनों ग्राउंड पे 6 रन। यहाँ पे आकर बल्लेबाज है दादू धीरे फायदे रन होने के, कप्तान है कप्तानी कार्ड खेल लेंगे। ग्राउंड नंबर 2 पे अंबाजी वर्सेस रेड एंड ब्लू, दोनों ही समाज की बड़ी टीमें। काफी सुंदर आयोजन यहाँ बीसीएल 6 का मुंबई मंडल द्वारा। लेकर फिर से एक बार भावेश, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगली गेंद और काफी अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छी तरह से अपर कट खेला है, ऑन बॉल टू लॉन्ग बॉल की तरफ जाती हुई, लेकिन अच्छी फील्ड। 4 रन ज्यादा हुआ तो काफी अच्छी हुई है। देखते हैं फिर से सामने आ जाएगा, स्कोर दिखने मिला है दादू का। पहली गेंद 6 रन के लिए खेली थी, उसके बाद की अपर कट फिर से 4 रन के लिए और ये 6 रन। कोटेश्वर क्लब टिकर द्वारा दौड़ होती हुई 4 गेंद अब तक इस ओवर की हो चुकी है। अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक दादू ने। ओवर की 5वीं गेंद लेकर फिर से एक बार भावेश, कोटेश्वर क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 77। फिर से एक लेकर खेला है, शानदार बल्लेबाजी, फील्ड को खेल रहे हैं दादू। फिर से एक बार अगली एक बार 4 रन के लिए सामना करेंगे अनिल कोटेश्वर क्लब। काफी अच्छे एक सीधी और काफी भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे कोटेश्वर क्लब की तरफ से ऐसा नहीं देखा जा सकता। हम एक साथ दो दो बैट्समैन जाएंगे, एक पिच पर दो दो बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए भरते हुए यहाँ पे बॉलिंग मार पर बल्लेबाजी के लिए दादू। अब तक 1 6 और 2 बाउंड्री लगा चुके हैं इस ओवर में। प्रवीण भाई की यहाँ पे पारी समाप्त होते हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने। नए बल्लेबाजी और फुलटा हेमंत गेंद तक जाएंगे, तो एक रन आसानी से कंप्लीट किया गया है। स्लो गति की गेंद इसी तरह से काया समाप्ति होती हुई बल्लेबाज को रन संख्या कर दीजिए 37 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कोटेश्वर क्लब टिकर इस ओवर में काफी अच्छी कैच होने की संभावना और नीचे फील्डर और काफी अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पे, कोई गलती नहीं की। नरेश इन्होंने जीत इनके रूप में एक और झटका। हैरी टू दादू, राउंड नंबर
पहली गेंद शानदार कटर गेंद का प्रयास और पूरी तरह से नस्तनाबूत किया है बल्लेबाज को। इन्होंने खेल दिया, लेग साइड में गेंद जा रही, देखते हैं और खराब फील्ड। फिर से एक बार शानदार गेंदबाजी हैरी द्वारा और दो अच्छा लाइन लेंथ में गेंद दिया है नितिन इन्होंने। और यहाँ पे बैक टू बैक बिंदी गेंदे डालने में कामयाब हुए हैं हैरी। अच्छी वापसी होगी टीम को। आरसीएल और जोशी फाइटर के कैप्टन दोनों तैयार रहे, इनको बुलाएंगे अभी टॉस के लिए। और पांच ओवर की समाप्ति के बाद कोटेश्वर क्लब ने 80 रन का टारगेट दिया है। फिर से गेंद हवा की तरफ हो रहा है और विनोर इन 6 रन, अच्छा प्रयास था विकेट द्वारा लेकिन गेंद बहुत ही दूर। अच्छा प्रयास किया था बाउंड्री रखने का लेकिन उसमें नाकाम होते हुए मुंबई मंडल द्वारा कम बैक देखने मिला है। दो बल्ले के बाद एक बड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए आता हुआ दादु के बल्ले से। ओवर के चौथी गेंद का फिर से एक बार हैरी, फिर से एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फिर से पूरी तरह से अपना सेम खो बैठे हैं। ड्रॉप के ज्यादा हो रहा समझदारी हुई बल्लेबाजी होगी दादु को। फील्ड सजा ले, सहयोग करें प्रफुल भाई, हमेशा हर टूर्नामेंट में हुआ कट शॉट एक रन के लिए और टीम का ओवर की आखिरी गेंद लेकर हारी। फिर से यहाँ पे फिर से एक बार बंदी गेंद, अच्छी गेंदबाजी है की द्वारा। इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं, एक स्कोर है 80 रन, 80 का टारगेट है यहाँ पे। 4 ओवर के समाप्ति में रन संख्या आगे पहुंची है। जल्दबाजी कर सबको विकेट्स देते हैं इस पार की आखिरी ओवर को लेकर आ रहा है। जल्द मैदान में उतार दे, विकी को प्रमोट किया गया है, सहयोग करना है यहाँ पे आज के रूप में। कैलाश जी का आगमन होता हुआ आयोजन हो रहा है। 44 मुंबई मंडल द्वारा बीसीएल 6 का आयोजन यहाँ पे कांदिवली ठाकुर कॉलेज ग्राउंड। जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजे गेंदबाजी के लिए विकी इस इनिंग के आखिरी गेंद लेकर। स्टार वॉरियर्स आखिरी भेजे अपने, जल्द से जल्द सहयोग करें। आरसीएल आकोडड़ा वर्सेस जोशी फाइटर, दोनों कप्तान स्टेज के सामने आए यहाँ पे अब। और यहाँ पे श्याम भाई इनका आगमन होता हुआ, बहुत बहुत अभिनंदन राजू भाई की ओर से और पूरे मुंबई मंडल की ओर से। बल्लेबाज भेजे यहाँ पे, जल्द से जल्द सहयोग करना है अन्यथा ओवर कट किए दे जाएंगे, ध्यान रखें। और काफी अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पे जयेश भाई ने, कोई गलती नहीं किए, बाउंड्री लाइन पे खड़े थे। आसान नहीं होता इस तरह का कैच पकड़ना। और सलामी बल्लेबाजी यहाँ पे क्रिश और उनका साथ देंगे हरी, हरिओम। हम पर थोड़ा जल्दबाजी करें आप हरी भाई, प्रफुल भाई सहयोग करें। रमेश आवाज नहीं जा रहा है तो बड़ा तो कौन है यहाँ पे। अस्सी रन का टारगेट है यहाँ पे। थोड़ा आवाज बढ़ो भैया, हाँ थोड़ा।
वाड़ो या फर्स्ट वाला नितिन ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे हरी 80 रनों का टारगेट है यहां पे और ग्राउंड नंबर दो पे देखना है मिस जस्ट हुआ है यहां पे काफी सुंदर आयोजन यहाँ पे मुंबई मंडल द्वारा बीसीएल 6 का नितिन इनकी पहली गेंद मारा करेंगे ओ फुल टॉस गेंद खराब गेंद से शुरुआत की है यहाँ पे नितिन इन्होंने और उतनी अच्छी शुरुआत ओम के द्वारा पहली गेंद पे 4 रन से खुद का और अपनी टीम का खाता खोला है इस 4 रनों के साथ एक गेंद पे बिना किसी नुकसान के स्कोर 4 रन नितिन इनकी ओवर की दूसरी गेंद फिर से मारा करेंगे हरिओम हरी और फिर से अच्छी गेंद स्लो गति की गेंद अच्छा कमबैक नितिन इनका फिर से बड़ा प्रहार करने की कोशिश थी यहां पे नितिन इनकी अगली ओवर की तीसरी गेंद फिर से मारा करेंगे हरी और स्ट्रेट ड्राइव खेला है गेंद आ रही बाउंड्री लाइन की तरफ देखना है और यहां लोकेश लोकेश द्वारा अच्छा प्रयास था यहां पे काफी अच्छी दौड़ लगाई थी गेंद को रोकने में असफल रहे काफी अच्छी कोशिश ओवर की अगली गेंद पिकर नाम सुनते ही एक खौफ सा पैदा होता है सामने वाले की टीमों में आरसीएल वर्सेस जोशी बैटर दोनों टीम के कैप्टन और यहां फिर से खेला है देखना है यहां पे अच्छी फील्ड अच्छा थ्रो विनोद द्वारा अच्छे बल्लेबाज अच्छे फील्डर यही एक बड़ी टीम की पहचान होती है नितिन इनकी अगली गेंद मारा करेंगे इस बार क्रिश अच्छी तरह से खेल दिया है और नीचे फील्डर देखना है लोकेश ओवर है 1 बॉल 4 अच्छी शुरुआत यहां पे इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी नुकसान पे दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने खाता बाउंड्री से खोला है यहां पे टिकर से ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद नहीं रखेंगे अब और फिर से खराब गेंद अपनी लय से भटकते हुए नितिन अपने संजय देख नहीं रहे हैं और अच्छी गेंद उतना ही अच्छा खेला फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और लोकेश इन्होंने अच्छी तरह से फील्ड करके फिर से थ्रो करते तब तक तो 2 रनों से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को स्कोर बढ़ता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के अच्छा स्कोर माना जाएगा पहले ओवर में 80 रनों का टारगेट है पीछा करते हुए 80 रनों का संजय टिकर टीम की धड़कन शान काफी होनहार खिलाड़ी समाज के अपने अच्छी पेस में डालते हैं गेंद अच्छी स्विंग ओवर का ओवर की पहली गेंद संजय इनकी सामने है हरिओम जिन्होंने अब तक तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है नितिन संजय इनकी अगली गेंद फुल टॉस गेंद देखना है लोकेश और यहां नितिन एक हाथ में पकड़ने की कोशिश की यहां अगर दोनों हाथों से कोशिश करते तो यह एक आसान कैच होता हल्के में लेने की थोड़ी चेष्टा हो रही है यहां पे टिकर द्वारा संजय इनकी अगली गेंद और यहां पे अच्छा शॉट देखना है जीत तो जीत और इनके हाथों से भी छिटकती हुई गेंद और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे कर लिए 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यह आखिरी बार पुकारा जाएगा आरसीएल सुवर से जोशी फाइटर दोनों टीम के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क साधे आरसीएल अगली गेंद संजय इनके मारा करेंगे हरिओम और देखना है यहां पे
संजय ये कोई गलती नहीं करेंगे, यहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भूदो फाइटर्स जल्द से जल्द अपना फील्ड सजा ले। हरिओम इनकी जगह लेने जा रहे हैं नरेश संजय, एक बड़ा नाम अपने समाज में। आरसीएल आरसीएल वर्सेस जोशी फाइटर, संजय इनकी अगली गेंद, पहली बार सामना करेंगे नरेश और काफी अच्छी तरह से खेल दिया है। ये कुर्सियों के पीछे यहाँ पे किसी को चश्मा मिला हो तो काउंटर पे जमा करा है, कमेंट्री बॉक्स में स्टेज के बाजू में जमा करा है, जिस किसी भाई को चश्मा मिला हो। आरसीएल के कैप्टन और जोशी फाइटर के कैप्टन आ गए, जोशी फाइटर है, केतन जी का स्वागत है यहाँ पे। एक सुंदर आयोजन यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कांदिवली की धरती पर। हेलो मुंबई मंडल द्वारा बीसीएल 6 का समाज का बड़ा टूर्नामेंट, आरसीएल वर्सेस जोशी फाइटर। हेलो, और यहाँ पे खेल मंत्री मुंबई मंडल हीरालाल जी, जी इनसे निवेदन करूंगा कि वो यश जी से संपर्क साधे। संजय इनकी अगली गेंद, संजय इनकी अगली गेंद ऑफ साइड में स्क्वेयर कट कर दिया, देखना है गेंद के पीछे फील्डर दौड़ते हुए, अच्छी फील्ड, दो रन से रोकने पाएंगे। आरसीएल अकोदरा जसवंत भाई टॉस के लिए आ जाइए। ललित इनकी अच्छी गेंद, लोकेश इन्होंने फील्ड किया है, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। ग्राउंड नंबर दो पे काफी अच्छी तरह से खेल दिया है, क्लिक कर दिया चार रनों के लिए भावेश भाई, इन्होंने रेड एंड ब्लू की तरफ से एक चौका आता हुआ, भावेश कप्तान इनके बल्लेबाज से। ललित इनकी अगली गेंद, देखना है गेंद चार रनों के लिए जाती हुई वहां पे फील्ड करने की अच्छी से, और यार रन आउट होने का चांस है यहाँ पे, देखना है, और दो रन आसानी से पूरे कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, इसी के साथ दो रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25। ललित इनकी अगली गेंद, फिर से मारा करेंगे और काफी अच्छी सोच भरी बल्लेबाजी यहाँ पे, कट कर दिया ऑफ साइड में, फिर से एक रन। यहाँ पे टॉस होने जा रहा है, यश जी मुंबई मंडल के उपाध्यक्ष इनके द्वारा किया जाएगा, आरसीएल वर्सेस जोशी फाइटर। जोशी फाइटर वर्सेस आरसीएल जसवंत भाई, और यहाँ पे यश जी द्वारा, और यहाँ पे जोशी फाइटर ने टॉस जीता है। यहाँ पे आरसीएल आकोदड़ा ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी चुनी है, काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे।
दूसरे विकेट पे थोड़ा ध्यान दे अंपायर। दादो इनकी पहली गेंद और यहाँ खेल दिया, देखा है नरेश जी इन्होंने और काफी अच्छा कैच पकड़ा है इन्होंने बाउंड्री लाइन पे। यहाँ पे नरेश द्वारा झटका लगता हुआ आरबी को, कोटेश्वर सेना फतेहपुर सुपर किंग दोनों टीम के कप्तान अपना टॉस के लिए यहाँ पे आए। कोटेश्वर सेना वर्सेस फतेहपुर किंग, यहाँ पे एक तरफा होता हुआ ग्राउंड नंबर एक पर मुकाबला टिक्कर वर्सेस। हेलो, और यहाँ पे देखना फिर से, हेलो, एक दो रन से तो रोक नहीं पा रहे हैं टिकर टीम के। पिच टू पर दूसरे मैच का टॉस उड़ने जा रहा है फतेहपुर सुपर किंग वर्सेस कोटेश्वर सेना। टॉस हमारे धनराज जी जोशी कुमाते लौटाएंगे। और गुड्डा बॉल के नीचे और लोकेश ने कैच ले लिया। मनीष दादू अपने अगली गेंद लगते हुए और ये डॉट बॉल, बहुत अच्छे तैयार दोनों टीम, काफी अच्छा प्रदर्शन अपनी अगली गेंद की तरफ बढ़ते हुए मनीष दादू। सामने बल्लेबाज तैयार और ये उठा के मार दिया है कोटेश्वर सेना ने, बॉल को वैसे लिया और वाइड बॉल बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बहुत बढ़िया दादू अपनी अगली गेंद करते हुए। और ये उठा के मार दिया सीमा रेखा की तरफ और देखा जाए छह रन यहां पे, बहुत ही अच्छा शॉट, छह रनों की बढ़त रेड एंड ब्लू के खाते में, छह रन एक ओवर 11 रन दो विकेट रेड एंड ब्लू सूरत। पिच वन पे आरसीएल अपनी टीम तैयार रखे, इसके बाद आपकी फील्डिंग है। स्टार वॉरियर्स का एक भी खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। जिक्स अपना सेकंड ओवर बुदेव फाइटर की तरफ से करेंगे। जिक्स अपनी पहली गेंद करते हुए सामने रेड एंड ब्लू सूरत के बल्लेबाज और यह मिस डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद यहां पे। जिक्स अपनी दूसरी गेंद की तरफ आगे बढ़ते हुए सामने रेड एंड ब्लू सूरत के बल्लेबाज रेडी और यहां पे बेस और यहां पे रेड एंड ब्लू सूरत को तीसरा झटका। एम्पायर कृपया करके अपना डिसीजन एकदम प्रॉपर दिखाए सामने।
बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे जिग्स द्वारा, भूदेव फाइटर अंबाजी। आपने स्कोर